आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग शक्ति गुणांक के बारे में जानेंगे। कह रहा हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है शक्ति गुणांक। क्वेश्चन हमारा क्या है? शक्ति गुणांक क्या है? क्वेश्चन है हमारा शक्ति गुणांक क्या है। शक्ति गुणांक का परिभाषा दिया जाता है हमारा यथार्थ माध्य शक्ति। यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी। यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का क्या परिभाषा देता है हमारा कि यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। अर्थात शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। शक्ति गुणांक हमारा क्या होगा? शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। अब हमारा कह रहा है कि LCR परिपथ के लिए हमारा शक्ति गुणांक LCR परिपथ के लिए हमारा शक्ति गुणांक cos phi होता है। शक्ति गुणांक हमारा क्या होता है LCR परिपथ के लिए? cos phi होता है। cos phi हमारा होता है R बटे Z। शक्ति गुणांक हमारा cos phi क्या होता है? R बटे Z, जहां Z हमारा प्रतिबाधा है। अगर प्रतिबाधा का हम लोग मान लिखेंगे तो प्रतिबाधा का मान हमारा होता है तो हमारा ऊपर रहेगा ही, और प्रतिबाधा का मान होता है हमारा, इससे पहले LCR परिपथ में हम लोग प्रतिबाधा निकाले हैं, आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर ओमेगा एल माइनस वन बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा हमारा कितना होता है? रूट अंडर, क्योंकि शक्ति गुणांक cos phi बराबर हमारा R बटे Z होता है, Z को हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं, ये R हमारा ऊपर प्रतिरोध है
प्रतिबाधा का व्यंजक हमारा होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस एक बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अर्थात कॉस फाइव बराबर हमारा, कॉस फाइव बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर, जहां हमारा एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी धारतीय प्रतिघात, हमारा ये क्या है, हमारा सी संधारित्र के लिए धारिता है।